लॉकडाउन के बीच मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अजान को लेकर किए गए ट्वीट से संग्राम छिड़ गया है। आज उनके इस ट्वीट पर संबल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि वो भले ही कोई बड़े आदमी क्यों न हो, लेकिन उन्हें अजान को लेकर लिखने का कोई अधिकार नहीं है और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अजान वर्षों से होती आई है और होती रहेगी, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कानून क्यों न हो। ये शरीयत का एक हिस्सा है, अब इसके बारे में मुस्लिम धर्मगुरु ही फैसला करेंगे क्या करना है, लेकिन इस तरह की बातों को ना तो हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही कोई मुसलमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अजान को लेकर तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन शराब को लेकर कुछ नहीं कहा, जिसे पीकर लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं और अब लॉकडाउन में भी बिक रही है। दरअसल जावेद अख्तर ने एक ट्वीट करके लाउड स्पीकर से होने वाली अजान का विरोध करते हुए कहा कि इससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। ऐसे फिल्मी कलाकार और संगीतकार हैं जावेद अख्तर साहब ने ये कहा कि अजान को लेकर लाउड स्पीकर से जो अजान होती है उससे दूसरों को दिक्कत होती है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक अजान का ताल्लुक है, ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इबादत का एक उसका एक ऐलान है, हिस्सा है, और इसके सिलसिले में चूँकि जहाँ तक इसकी मजहबी हैसियत का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के उलमा मुफ्ती साहिबान इसका मुफस्सल जवाब देंगे और वही अप्लाई भी होगा, वही माना भी जाएगा। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में हर सारे मुल्कों के अंदर अजानें होती हैं लाउड स्पीकर, जब लाउड स्पीकर नहीं था तो बगैर लाउड स्पीकर तो होती थी, जब लाउड स्पीकर के वजूद में आ गया तो लाउड स्पीकर से भी होने लगी, तो यूँ अजान तो हज़ारों साल से हो रही। लेकिन जहाँ तक लाउड स्पीकर ताल्लुक है, जब हिंदुस्तान में या दुनिया में लाउड स्पीकर का इजरा हुआ तो लाउड स्पीकर से होने लगी, जब और काम लाउड स्पीकर से होते हैं तो अजान क्यों नहीं हो सकती। पर इस किस्म का ये एतराज़ करना जावेद अख्तर साहब का मुझे ताज्जुब है कि उन्हें ऐसी बात नहीं, जिम्मेदार आदमी होते हुए उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, और ये उनके कोई कहने का राइट भी नहीं है, कोई हक भी नहीं है इस बात के कहने का। आज लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की बात कहने लगे, लेकिन वो शराब जिसको पीकर आदमी नालियों में भूख गिरता है, गालियाँ देता है और गलत काम कर, उससे हादसे भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो आज वो शराब उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन नमाज के लिए आपने उंगली उठाई, लेकिन कभी शराब के लिए कहा या किसी और नाजायज काम के लिए कहा कि काम नहीं होना चाहिए? नमाज अजान जो कि ऐलान है नमाज पढ़ने का, उस पर आपको इतनी बुराई दिखाई जाने लगी और आप मुसलमान भी बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले में जो इन्होंने ट्वीट किया है ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।